तो यहां पे हम देखते हैं कि MS marketable surplus is equal to P production and C requirement total requirement. तो P जो है हम देखते हैं total जो है production है, total production P, total production and C जो है denotes to total requirement. टोटल रिक्वायरमेंट. तो इस प्रकार MS is MS equal to P P minus C. तो MS बराबर मार्केटेबल सरप्लस, P is equal to टोटल प्रोडक्शन एंड C is equal to टोटल रिक्वायरमेंट. अब हम देखते हैं कि मार्केटेड सरप्लस क्या है. मार्केटेड सरप्लस यह जो है प्रोड्यूस की वह मात्रा है जिससे प्रोड्यूसर फार्मर अपने टोटल रिक्वायरमेंट को ध्यान में ना रखते हुए मार्केटेड में डायरेक्टली जो है सेल करता है. तो मार्केटेड सरप्लस वस्तुओं की वह मात्रा है जो कृषकों द्वारा उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स को सीधे रूप में अथवा व्यापारियों को अथवा दोनों को वास्तव में सेल कर दिया जाता है या सेल कर देते हैं. तो मार्केटेड सरप्लस की मात्रा कृषकों की टोटल रिक्वायरमेंट के अतिरिक्त वस्तु की प्रचलित कीमत, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन वाली वस्तुओं की कीमतों प्राइसेस में और कृषकों की वित्त आवश्यकता एवं भावी कीमतों की स्थिति पर डिपेंड करता है और उत्पादकों की दृष्टि में वस्तु की मार्केटेड सरप्लस की मात्रा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एमएस की मार्केटेड सरप्लस की मात्रा की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम होती है. तो कृषकों के किसी भी मार्केटेड सरप्लस की मात्रा मार्केटेबल सरप्लस की मात्रा से अधिक कम व उससे समतुल्य जो है हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि मार्केटेड सरप्लस का हमने मीनिंग जान लिया, डेफिनेशन जान लिया है ना, टाइप्स जान लिए. मार्केटेबल सरप्लस होता है, मार्केटेड सरप्लस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना. अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस, तो दोनों में क्या चीज और कैसे रिलेशनशिप होता है. रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस. तो दोनों में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप होते हैं, क्या एक दूसरे में रिलेशनशिप होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है. तो इसमें जो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस में द मेन मार्केटेड सरप्लस में बी मोर लॉस मोर लेस आर इक्वल टू द मार्केटेबल सरप्लस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ द क्रॉप. तो मार्केटेड सरप्लस जो है
अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप कितने बार मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस होता है कि इसका जो है मोर और लेस होता है। मोर किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, मोर और लेस रहता है इसका जो है रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केटेबल सरप्लस, तो क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं मार्केटेबल सरप्लस को। तो पहला फैक्टर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरप्लस। तो फर्स्ट इसका फैक्टर्स हैं साइज़